प्रवासी मजदूरों का प्रदेश में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ बाहरी राज्यों से आ रहे इन श्रमिकों को सीधे ही होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जहाँ गांव और वार्ड स्तर पर बनी समितियां इनके मेडिकल जांच के बाद निगरानी कर रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के उपनिदेशक रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा प्रवासी मजदूरों को होम क्वारंटाइन की पालना करवाने के लिए CQ सिस्टम ऐप बनाया गया है। इस ऐप के जरिए होम क्वारंटाइन की पालना नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति की सूचना भेजी जाती है। इन क्वारंटाइन के लोगों पर निगरानी रख सकते हैं। राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा CQAS सिस्टम डेवलप किया है, COVID-19 क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम। इसके द्वारा भी हम निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी माइग्रेंट आए हैं उन सभी के पास मोबाइल फ़ोन है और मोबाइल फ़ोन मोबाइल टावर से जुड़े होते हैं, जिनकी रेंज 300 मीटर के अंदर रहती है। तो कोई भी व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन किया हुआ है, अगर वो 300 मीटर के दायरा पार करता है क्वारंटाइन का उल्लंघन करते हुए, तो एक अलर्ट, ये सिस्टम एक अलर्ट जनरेट करता है और उस व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन पर मैसेज जाता है कि वो क्वारंटाइन की पालना करें और उल्लंघन ना करें।